This conference will now be recorded. नमस्कार दोस्तों, आपका वीकेंड बहुत अच्छा चल रहा है। सोच रहा मैंने, पहले ये वीडियो देखने के पहले एक पार्ट वन का एक वीडियो रिलीज किया था, आप वो देख लिया तो अच्छा है, आपको ये समझ में आएगा। ये पर्टिकुलरली ऑप्शन बायर्स के लिए बनाया मैंने ये एक वीडियो। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ मैंने, इसमें एक साइंटिफिक अप्रोच भी दे रहा हूं मैं। बहुत सारा टाइम क्या होता है कि वो ट्रेंड लाइन बनाना पड़ता है, ये करके उसमें ऑप्शन में ब्रेकआउट आता है खरीदने का, बहुत सारा चीज ये सब बोलते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। इसमें कुछ चीज में नंबर्स में ड्राइव करके एक साइंटिफिक अप्रोच वर्कआउट करके लेके आया मैं आपके लिए। इसमें वो फर्स्ट पार्ट कंटिन्यूएशन ये, सो ये फर्स्ट देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल में फर्स्ट है, नया है तो फर्स्ट वो वीडियो देख लीजिए, उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ नीचे, उसके बाद आप ये वीडियो देख लीजिए। सो इसमें जो ये वीडियो में जो भी मेरा व्यूज है, ये मेरा खुद का व्यूज है और कुछ रिसर्च करके बनाया हुआ, वो आप कुछ को नुकसान आया ये वीडियो देख के कुछ ट्रेड लेके, मतलब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी बात करके ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। आप ये पर्टिकुलरली फोकस याद रख लीजिए, ये ऑप्शन बायर्स के लिए बना हुआ, पर्टिकुलरली ऑप्शन सेलर्स के भी कुछ पॉइंट्स है इसमें, एक अप्रोच है वो भी बताएगा मैंने। कुछ चीज मैं एक वार्म अप करता हूं मैंने सीधा जाने के पहले, वो देख लीजिए क्या होता है कि अभी ऑप्शन बायर्स के लिए सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करूं मैं, आर्ट द मनी ले लूं और आउट ऑफ मनी ले लूं और इन द मनी ले लूं, बोल के एक बहुत प्रॉब्लम आता है। इसके लिए एक बनाया है मैंने, टेबल बनाया आपके लिए। बैंक निफ्टी के जब ट्रेड करते हैं आपको क्या करने का, फ्राइडे के दिन 400 पॉइंट्स एक स्टेबल प्राइस के ऊपर नीचे लेने का आपको आइडेंटिफिकेशन। वो स्टेबल प्राइस मतलब क्या होता है, फर्स्ट 15 मिनट में जो समझो आप मंडे फ्राइडे 30,000 में खुलता है ओपन, गैप अप सीधा गैप अप खुलता है, 400 पॉइंट गैप करके 30,000 में खुलता है फ्राइडे के दिन में, और उधर 15 मिनट उधर ही घूमता है, तो 15 मिनट कैंडल जो है उसका आप हाई लो का एवरेज लेके वो प्राइस अराइव कर लेंगे स्पॉट का, वो प्राइस आपका स्टेबल प्राइस होता है। उसके बाद क्या करना, उससे 400 पॉइंट ऊपर का स्ट्राइक प्राइस का कॉल और उधर से नियरेस्ट का नीचे 400 पॉइंट के नीचे का पुट ऑप्शन, वो आपको सेलेक्ट करके उसके ऊपर फोकस करने का, दो ही स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करके फोकस करने का पूरा दिन, आपको बस इधर उधर घूमने का नहीं है, बस दो स्ट्राइक प्राइस आपको फोकस करने का हर रोज। फ्राइडे कैसे सेलेक्ट किया, 400 पॉइंट के ऊपर नीचे, दूसरा दिन क्या होता है मंडे के दिन 300 पॉइंट्स ऊपर नीचे का लेने का स्टेबल प्राइस के ऊपर। वो स्टेबल प्राइस क्या होता है, वो 15 मिनट का कैंडल जैसा बोला फ्राइडे का जैसा सेम प्रोसेस है थर्सडे के लिए सेलेक्ट करने का, और सॉरी मंडे सेलेक्ट करने का और उसके ऊपर फोकस करने का पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन का। सेम प्रोसेस ट्यूजडे के लिए 200 पॉइंट ऊपर नीचे और वेडनेसडे के लिए 100 पॉइंट ऊपर नीचे फोकस लेने का, और फ्राइडे का दिन वो ऑप्शन पेन जिधर भी है उस दिन जो ओपन करते समय ऑप्शन पेन किधर होता है, 15 मिनट के बाद सेटल होके जो ऑप्शन पेन होता है वो ऑप्शन पेन का स्ट्राइक प्राइस जो है उसका कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को फोकस करने का पूरा दिन। सो ये तरीका आपको फॉलो करने का सिंपल प्रोसेस है आपको बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। आप ये फर्स्ट प्रोसेस आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज निफ्टी के लिए आपको क्या करने का, फ्राइडे टू वेडनेसडे एक 100 पॉइंट्स का ऊपर नीचे का स्टेबल प्राइस का वो सिलेक्ट करके रखने का आपको ट्रैक करने के लिए हर रोज। फ्राइडे थर्सडे के दिन वो एक्सपायरी का रोज, उस दिन आपको ऑप्शन पेन का वो स्ट्राइक प्राइस है उसको फोकस करने का, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्लियर बोल रहा आपको समझ रहा होगा, आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बस फोकस करने का, बहुत सारा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फोकस नहीं करने का, दो ही फोकस करने के, एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है वो बता दिया मैंने प्रोसेस। आपको इससे बेहतर कुछ टेक्निक करते हैं यूज करते हैं तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मेन चीज है कि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी जो भी ट्रेड करने वाले हैं उसका एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन और एक स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, ये फोकस करने का आपको पूरा उसमें एक्टिव रखने का, आपको मास्टर करने का उस दिन के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है स्ट्राइक प्राइस का। सेकंड चीज आपको जितना देर एक प्रोफेशनल बन जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में
ऑप्शन बी में प्रोफेशनल बन जाते हैं, उस टाइम तक आपको दो लॉट के ऊपर मैक्सिमम ट्रेड नहीं करने का, मैक्सिमम दो लॉट ट्रेड करने का आपको, वो भी डिफिकल्ट लग रहा था, एक लॉट पर ट्रेड करने का कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरा चीज है ऑप्शन प्राइस 200 के नीचे होना मांगता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको ज्यादा नहीं लेने का ऑप्शन। कुछ लोग मेरे बात करता हूँ कुछ स्टूडेंट से, उन लोग क्या करते हैं 400 का 450 500 का कोई ऑप्शन खरीद लेते हैं, ओके उसमें बहुत नुकसान हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है तो रिवर्स हो जाता है मार्केट में, क्या कि उस टाइम आपको कुछ फोन कॉल आ गया, कुछ कुछ लोग घर पे आ गया, और नहीं तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, अभी ब्रोकर का टर्मिनल कुछ बंद हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम, ऐसा कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया देन आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। उसमें आपको 200 रुपये का जो प्रीमियम है उसमें भी ट्रेड करने का आपको आपको मास्टरी करने तक, आप जब प्रोफेशनल बन जाते हैं लग सकता है 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने आपको लग सकता है मास्टर करने के लिए। आप एक स्ट्रेटजी लेके दो लॉट लेके और 200 रुपये का प्रीमियम की कमती का जो ऑप्शन है उसमें ट्रेड करने का वो मास्टर बनने का तक, ठीक है, एक रूल बन के रख लीजिए, ये आपको बहुत सेव करेगा। पहले भी जो भी आप लोग नुकसान किए थे ये रूल फॉलो किए तो आपको बहुत नुकसान कमती हो जाता था, क्या है कि आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है, अच्छा मिल जाता है, मतलब तुरंत आप लोग दो लॉट से 4, 5, 6, 7, 10 लॉट भी चालू कर देते हैं देन आपको प्रॉब्लम में आ जाता है। आप डॉक्टर बनने का तो सर्जरी करने का तो आपको क्या तुरंत जाके सीधा सर्जरी कर देंगे किसी को ऊपर नहीं ना, आपको बहुत सारा टाइम लगता है, थियरी पढ़ा होगा देन डमी में काम किया होगा, कुछ ऑपरेशन के अंदर देखेगा कि कैसे करने का ऑपरेशन, बहुत सारा साल लगता है, 10 साल 15 साल भी लग जाते हैं एक सर्जन बनने के लिए, आपको ऑपरेशन उतना आसान से आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। ऐसा है आपको एक ऑपरेशन जैसा ही, आपको एक ऑप्शन ट्रेडर बन के आप सक्सेस करने का तो आपके एक वेट करके समझदारी करके आपको ये अंदर घुसने का, ठीक है, आपको जल्दीबाजी में आपको पैसे डालने का नहीं, क्योंकि जिधर भी समझो लाइक कुछ पेशेंट का जान निकल जाता है कुछ गलती करके, फिर भी बोलते हैं कि सर आपको ये पेशेंट मर गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, जो भी बोल सकते हैं कि आप साइन ले लेते हैं डॉक्टर जी सा, इधर ऐसा नहीं है, आपको पूरा पैसा लगा हुआ, इधर आपका जिंदगी इसमें अटका हुआ, ठीक है, इसमें पैसा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आज पैसा है कुछ बच के रखा, कल ट्रेड कर सकते हैं, पैसा नहीं तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसके लिए आपको फर्स्ट प्रोविजन से लेकर आने तक दो लॉट 200 रुपये का प्रीमियम के अंदर ही काम करने का। दूसरा है आजकल देखो होंगे आप बैंक निफ्टी एक तरफ जाएगा, निफ्टी दूसरा तरफ जाता है, ऐसा बहुत सारा टाइम आप आजकल देख पाएंगे आप, उसके लिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते तो खाली बैंक निफ्टी फोकस करने का, ट्रेड लेने का और दो स्ट्राइक पे जो सेलेक्ट किया उसमें फोकस करने का, आप निफ्टी में ट्रेड करते हो निफ्टी में खाली फोकस करने का, आप दोनों लेते हैं ना आपको प्रॉब्लम आ सकता है, आपको बहुत दिन साल लग सकते हैं वो लेवल आने के लिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है बैंक निफ्टी बेरिश हो जाता है निफ्टी बुलिश हो जाता है, नहीं तो निफ्टी बेरिश हो जाता है बैंक निफ्टी बुलिश हो जाता है, आपको दोनों हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको पैसा बढ़ने का किधर से आएगा, बैंक निफ्टी से आएगा निफ्टी से आएगा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक पॉइंट ये याद रख लीजिए, आप निफ्टी को देख के बैंक में ट्रेड करने का, निफ्टी को बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में ट्रेड करने का ऐसा कुछ नहीं करने का, एक गलत बात है, ठीक है, आपको फोकस कीजिए एक चीज में और उसमें पैसा बनाने के लिए ट्राई कीजिए, आपको मोटिवेशन हो जाएगा और अच्छा सारा पैसा मिलेगा। और दूसरा चीज है बहुत सारे लोग क्या है कि ऑप्शन सेलर्स होंगे इतना साल शायद, ओके मैं भी उसके अंदर ऑप्शन सेलर था, अभी मैं ऑप्शन बायर के अंदर घुस रहा हूँ मैंने और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि मेरा दिमाग में बहुत साल से ऑप्शन बाइंग के लिए सोच रहा था कि कैसा करूँ मैं, ऐसा कुछ करता था मैंने ऑप्शन सेलिंग करते मेजोरिटी ऑप्शन बाइंग कमती होता था, बट अपन अभी ऑप्शन बाइंग में पूरा फोकस कर रहा हूँ मैं, इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है इधर और ऑप्शन बाइंग में अच्छा खास पैसा बना सकते हैं और कमती कैपिटल में, ठीक है, उसके लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन बाइंग पे फोकस करना, आप तो इसके इधर उधर घूमने का नहीं है, क्या कि आपको अनवांटेड माइंड ये हिल जाएगी ये दोनों, बिकॉज ये दोनों एक्सट्रीम है, ऑप्शन बाइंग ये एक्सट्रीम है, ऑप्शन सेलिंग ये एक्सट्रीम है, दोनों में पैसा मिल सकता है लेकिन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट माइंड सेट आता है, बहुत सारे लोगों को क्या माइंड सेट शिफ्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, आपको इतना एक्सट्रीम अच्छा कैपेबिलिटी बंदा है, आप इतना प्रोफिशिएंट है, मतलब आपको वो एक ये एप्लीकेबल नहीं है, सूट नहीं करता है, आप मैं ये वीडियो नॉर्मल एक ट्रेडर के लिए बना रहा हूँ मैंने, उसके लिए उन लोग के लिए
फर्स्ट ऑप्शन बाइंग के लिए फोकस करो, नहीं तो ऑप्शन सेलिंग में फोकस करो, एक में फोकस करने का, ठीक है? आपको फिल्टर हो जाता है अभी, अब मुझे ऑप्शन बाइंग करने का, मुझे बैंक निफ्टी फोकस करने का, मुझे ये एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पुट और कॉल ऑप्शन दोनों फोकस करने का, मार्केट से ऊपर जा रहा था मुझे एक कॉल ऑप्शन फोकस करने का बस खाली। आप पूरा दिन एक स्ट्राइक प्राइस, एक कॉल ऑप्शन, बैंक निफ्टी में बस लगाए रहेगा, बस आप उसमें पूरा पैसा बना सकते हैं। मार्केट जी नीचे जा रहा था, आप पुट ऑप्शन का वो स्ट्राइक प्राइस को फोकस करेंगे, ठीक है ना? अब ज्यादा, जितना ज्यादा फोकस करके रखते हैं उतना ज्यादा आपको अच्छा कमाई मिल सकता है, आपको प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट चीज क्या है, राइट टाइम पे एंट्री करने का ऑप्शन बायर का काम है। ऑप्शन बायर कभी भी ऐसा अंदर घुस के पैसा नहीं बना सकते हैं, बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, आपको वेट करके पैसे लेना पड़ेगा। तकरीबन 12 बजे से 1 बजे तक उस टाइम अपॉर्चुनिटी मिलता है अंदर घुसने के लिए, वेट करने का। जब मिलता है आपको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर करके डाल के रखने का, बाय ऑर्डर, वो टाइम मिलता है, ट्रिगर हो जाएगा, आपको आधा घंटे 1 घंटे में पैसा बन जाएगी, ठीक है? टाइमिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये साइंटिफिक अप्रोच के लिए, जो कैमरा प्रोवाइड पॉइंट का ये रूल्स है। आपको आज का मतलब कल का ट्रेड कर रहे तो आपको क्या करने का, हर स्ट्राइक प्राइस का, कॉल ऑप्शन का और पुट ऑप्शन का हाई लो क्लोज तीन लेके रखने का, लेके रख के उसमें कैलकुलेट करने का ये लेवल्स। ये लेवल क्लोज मतलब समझो आप 30,000 कॉल ऑप्शन लिया तो 30,000 कॉल ऑप्शन का क्लोज प्राइस क्या है माइनस वो हाई एंड लो और रेंज, मतलब हाई माइनस लो जो रेंज आता है इनटू 1.1 डिवाइडेड बाय 4, ये फॉर्मूला लगा के आपको गो लॉन्ग लेवल अराइव करने का, शॉर्ट ब्रेकआउट लेवल और क्लोज, ये सब H1 L2 L1 H1 H2 ये लेवल से अराइव करने का, गो शॉर्ट का लेवल ये अराइव करने का। आपको समझो ये लेवल के नीचे कुछ लेवल है, ये इसमें आता है, इसके नीचे है तो आपको गो लॉन्ग के लिए वेट करने का, इसके ऊपर जब जाता है ये टारगेट का अचीव करेगा, उसके बाद L1 देन H1 H2 आएगा, H3 जो है उधर रिवर्स हो सकता है, आपको रिवर्स नहीं मिला तो इधर आएगा लॉन्ग ब्रेकआउट, ये लॉन्ग ब्रेकआउट के ऊपर जाता है ट्रेंडिंग आ जाएगा। अभी निर्मला सीतारमण कैंडल जैसा आता ना उस टाइम जैसा बड़ा ट्रेंडिंग मूव, और नहीं तो एक दिन में 800 पॉइंट 1000 पॉइंट का जो मिलता है ना मूवमेंट आता है, उस टाइम के लिए लॉन्ग ब्रेकआउट या शॉर्ट ब्रेकआउट का लेवल टूटेगा, नहीं तो आपको ये लेवल के अंदर घूमेगा ऑप्शन प्राइस। आप ये एक गूगल पे का सर्च करके देख सकते हैं ये फॉर्मूला को, नहीं तो आप ये फोटो लेके आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल में आपको, ठीक है? ये है इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर हमने एक लेवल्स वर्कआउट किया एंड आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि ये कैसा काम करता है, लाइव मार्केट में काम किया, वो फ्राइडे के दिन में काम किया, वो देखेंगे। अभी मेरा एक्सेल डैशबोर्ड में कुछ नया डेवलपमेंट किया, कल रात डेवलप किया था मैंने और इसमें एक बनाया मैंने, आप देख लीजिए, एक पर्टिकुलर ऑप्शन बायस के लिए बनाया हुआ एक लेवल से है। इसमें हर हर स्ट्राइक प्राइस के लिए एक बनाया हुआ 30,000 कॉल ऑप्शन के लिए, ओके कौन सा क्या करंट मार्केट प्राइस है, व्हाट इज VWAP क्या है, गो लॉन्ग लेवल है, एक गो लॉन्ग लेवल जो है इसमें लिखा ना, ये गो लॉन्ग लेवल ये है लेवल, मुझे ये बाव कॉपी से मैं लेके रख लेता हूं, पूरा दिन के लिए ये लेवल है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? ये लेवल जो है कुछ चेंज नहीं होने वाला पूरा दिन के लिए। और स्टॉप लॉस जो है ये शॉर्ट ब्रेकआउट होता है, समझो गो लॉन्ग जाता है मतलब स्टॉप लॉस क्या है, ये शॉर्ट ब्रेकआउट, ये स्टॉप लॉस होता है। और गो शॉर्ट मतलब सेलर्स के लिए होता है, ठीक है? आप उसके ऊपर फोकस मत करना, अभी बायर्स के लिए फोकस करेंगे हम। अभी उस दिन हमने देख, हम क्या करें, ऑलरेडी मार्केट ओपन गया था, हम क्या देखेंगे, 30,000 कॉल 30,000 पुट दो का फोकस करेंगे फ्राइडे के दिन के लिए क्या हुआ बोल के, ओके? ऑलरेडी मार्केट ऊपर निकल गया था, हमारा लेवल क्या था 240 से 243 चेंज होता रहेगा, 198 के ऊपर गो लॉन्ग लेवल था 31,000 कॉल ऑप्शन। हम देख लेते हैं कि 31,000 कॉल ऑप्शन कैसा उस दिन निकला था, 31,000 कॉल ऑप्शन हम ऊपर वो सुबह से देख लेते हैं एक बार। ये 2 मिनट का चार्ट है, ठीक है?
क्या हो रहा है, बहुत आगे निकल गया। ओके सुबह हमको सुबह क्या लेवल था, ये 232 में ओपन किया था, ऑलमोस्ट तकरीबन 2 मिनट का कैंडल में 248 में निकल गया था। हमारा क्या लेवल था इधर 240, मतलब हमको 198 के ऊपर गो लॉन्ग जाने का था, उसके बाद टारगेट्स ये सब मिलता है हमको। अभी ऑलरेडी निकल चुका है, आपको पीछे भाग के पकड़ने का नहीं है। ये लेवल सर है, अभी टारगेट 5 जो है हमारा 297 था, उसके बाद ये ट्रेंडिंग मूव दे देगा ये 347 के ऊपर। ट्रेंडिंग मूव क्या है, लॉन्ग ब्रेकआउट का लेवल है। उस दिन कितना प्राइस अचीव किया था अब देखो, 332 तक गया था हमारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का था, ये 332 तक गया था उस दिन। उसके बाद निकलना नीचे आना शुरू कर दिया था। अभी किधर तक आया था अब देख लो, इधर 233 तक आ गया। हमारा लेवल था गोल 192 लेवल। अभी मार्केट नीचे आ रहा था, हमको फुट के ऊपर फोकस करने का कि कौन सा लेवल जा सकते हैं बोल के। अभी 3200 का फुट फोकस करेंगे, बोले उसकी 400 पॉइंट नीचे फोकस करने का। सो 3200 का फुट आता है उस टाइम। सो 3200 का फुट क्या है, हमारा 201 का लेवल है, उसके ऊपर बाय करने का हमको। 3200 का फुट देख लेते हैं, 201 के ऊपर अभी फोकस करने के, उसके ऊपर जब जाना शुरू कर देता है। अभी देखो ये भी एक चार्ट सेटअप है, आपको ये भी रख लेना पड़ेगा। जब भी डोंट चेंज एनर्जी नीचे है ना, आपको उस टाइम आपको बाइंग का फोकस नहीं करने का, आपको वेट करने का। अब 201 क्या है, कितना बजे, और तकरीबन 1 बजे हमको मिला था ये सिग्नल, 201 के ऊपर जाना शुरू हो गया। लेकिन हमको एक VW के ऊपर भी एक सिग्नल वेट करना पड़ेगा, उस टाइम आपको एक कन्फर्म्ड बाइंग आ जाता है। अभी 219 ये लेवल के ऊपर घूम रहा था, इधर ये लेवल पे मिल रहा था। आप एक ही बस भाई गोलों के ऊपर जाने का तो जा सकते हैं, आपको स्टॉप लॉस क्या आएगा 201 के ऊपर 144, 50 पॉइंट तकरीबन 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखे आपको एक खरीद सकते हैं ये 201 का, ये 3200 फुट का। और इसके ऊपर जाना शुरू हो गया 1 बजे, आप पूरा दिन वेट करके ये फुट के ऊपर फोकस किया, ये मिल गया था एक चांस आपको 201 फोकस किया। आप क्या है कि बहुत डरने का नहीं है, ऑप्शन बायर का बहुत डरा था कि अंदर इतना ऊपर जाके ऐसा गिर जाता है, मतलब आपको डर लगता था। कभी भी आप याद रख लीजिए, एक VWAP के ऊपर जब जाता है, VWAP बोलता है ये रेड लाइन जो है, VWAP मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इधर पूरा प्राइस एक्शन बना हुआ इकट्ठा किया लोग, ठीक है। जब भी फ्यूचर्स में भी होगा, कॉल ऑप्शन में होगा, पुट ऑप्शन में हो, कुछ में भी, आप जब ऊपर जाके ऐसा ऊपर जाके VWAP के ऊपर रखे नीचे आता है, इधर सपोर्ट लेगा VWAP में। कभी भी आप बहुत बार देख लो, एक सपोर्ट लेगा VWAP में, इसके नीचे क्लोज करता है, एक पूरा कैंडल फॉर्म करता है, उस टाइम आपको थोड़ा क्लोज करने के लिए सोचना पड़ेगा ऑप्शन में पोजीशन, बाइंग पोजीशन। अभी क्या है, ये 201 में खरीदा, आप जिधर भी आए VWAP नीचे, इधर बाइंग आ गया, शुरू हो गया। इसके बाद 1 बजे में जो आया था बाइंग, ये बॉटम फिशिंग है, आप 20 पॉइंट वेट करके ले सकते हैं। इधर क्या है कि आपको ऊपर नहीं मिला तो चांस है आपको पूरा नीचे जाते रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा बाइंग लेवल है 201 के ऊपर। आपको जब पूरा होशियार बन के, मैं 201 का मैं 180 में खरीद लेगा, मैं 20 पॉइंट और ज्यादा प्रॉफिट मिल सकते हैं बोल के आपको सोचने का नहीं है। आपको 100 पॉइंट मिल जाता है, यू शुड बी वेरी हैप्पी, आपको बहुत खुश होना मांगते हैं। हमको 201 में ऐसा ऑप्शन मिला 20 पॉइंट का, आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आप 30 पॉइंट रख लो, शायद आपको थोड़ा डर लगता है तो आप लो का, जो लो बनाया था उस दिन का, ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इसको काट आता देन प्रॉब्लम आ सकता है। आप 201 में खरीदा, उसके बाद क्या हुआ, किधर तक गया मैक्सिमम को, 355 गया। हमारा क्या लेवल था, ट्रेंडिंग मूव जो आएगा 372 में। मोस्टली आपको देखो टारगेट 5 और टारगेट ट्रेंडिंग, ये दोनों के बीच में रुक जाता मार्केट। ऐसा बहुत सारा टाइम जब जाता है ना, जब मार्केट बैंक निफ्टी बोला एक दिन में 800 पॉइंट 1000 पॉइंट का कुछ मूवमेंट देते हैं, उस टाइम में आपको इसके ऊपर ब्रेक करके जाएगा। ये लेवल के बीच में जब जाता है ना, ट्रेंडिंग टारगेट 5 और ट्रेंडिंग, इसके बीच में जब जाता है रुकता है, आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करने का, आपको मैक्सिमम प्राइस मिल गया बोल के, टारगेट 5 मिल गया तो कुछ होना मांगते हैं, आपको ये बुक करके आपको 100 पॉइंट मिल गया आराम से, इसमें बुक करके आपको निकल जाने का तुरंत तुरंत, कुछ दूसरा ट्रेंड नहीं लेने का सोच के कि कॉल ऑप्शन में जाऊं बोल के। आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से थोड़ा एंजॉय करो प्रॉफिट को और देख लो प्राइस एक्शन कैसे चल रहा है बोल के, क्योंकि हो सकता है आपको मार्केट और नहीं ऊपर जाता रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए,
और कॉल ऑप्शन फोकस करते तो आपको बाद में फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट आपको एक ट्रेड में लिया, सक्सेस हो गया, 100 पॉइंट मिल गया, आप उस दिन बंद कर दो कंप्यूटर और देख लो बाकी बाकी दिन टाइम पे प्राइस एक्शन देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑब्जर्वेशन आ जाएगी क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम है। ये आपको क्या है कि सुबह जो प्रॉफिट बनाया, 1 बजे प्रॉफिट बनाया, 2 बजे वापस नहीं देने का, 1 घंटे के लिए किया क्योंकि टाइम मिला, टाइम होता है आपको सुबह से शाम तक टाइम पे, आपको 1 बजे ट्रेड लिया, कितने बजे बाहर आ गया इधर, तकरीबन 2:30 आ गया रफी, मतलब एक ही घंटे रफी नहीं है, आधा घंटा बस आपको बचा मार्केट क्लोजर इंटर डे के लिए। आधा घंटे में ट्रेड लेके बाद में कुछ आपका एक्सपेक्टेशन की तरफ नहीं हो रहा है, आपको देन आपको नुकसान में बंद करना पड़ेगा पोजिशन, ठीक है। आप एंट्री टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट में याद रखे ट्रेड करने का, क्योंकि आप 1 बजे ट्रेड लेते हो आपके पास 2 घंटे टाइम है, अगर आपको 2:30 बजे एंट्री किया तो आपके पास खाली आधा घंटे का टाइम है, मैक्सिमम 40 मिनट्स का टाइम है, उसके बाद नहीं, ज्यादा नहीं है। आपको रिवर्सल नहीं मिला तो आपको पूरा आप कॉल ऑप्शन खरीदा कुछ उसमें नहीं आया एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, आपको गड़बड़ हो जाएगी, आपको जो 100 पॉइंट का खरीदर किया प्रॉफिट किया वो वापस देना पड़ेगा, ठीक है। ये है ऑप्शन बायर के लिए। अभी निफ्टी का भी ऐसे देख लेते कि क्या हो रहा था। 13,500 का पुट बोला मैंने उस दिन, 13,500 पुट का जो है लेवल है 92 के ऊपर खरीदारी करने के लिए, 13,500 का पुट ऑप्शन देख लेते हैं, आपको खरीदार मिला 92 के ऊपर, 92 के ऊपर जब खरीदार है इधर लेवल है, इसके बाद बाकी किधर तक गया, तकरीबन हमको 80 पॉइंट का मिला बैंक निफ्टी में। निफ्टी में कितना घंटे में आया था, तकरीबन 2 बजे आया था, इधर देखो बैंक निफ्टी हमको 1 बजे आया, इधर 2 बजे आया था, 2 बजे में आधा घंटा में 20 मिनट में आपको टारगेट मिल गया था निफ्टी में। उसके लिए बोला था कि आपको निफ्टी में फोकस करते, निफ्टी में खाली फोकस कर लो, बैंक निफ्टी में अलग है, क्या कि बैंक निफ्टी में घुमाएगा, समटाइम्स आप निफ्टी में ट्रेड एग्जिट कर देंगे ये निफ्टी में घुमाएगा, समटाइम बैंक में फास्ट आएगा, उसके लिए आपको दोनों में एक में फोकस करने का। अभी हमको 20 मिनट में आ गया ऑप्शन बाइंग में, 80 पॉइंट का मिल गया। आपको इन्वेस्टमेंट कितना है, आपको एक 90 रुपीज मीन्स आपको जैसा जैसे ICICI डायरेक्ट में 50% देना पड़ता है, 92 × 75 मतलब 7,000 का देना पड़ता है पूरा पैसा देने का, तो आपको 50% देना पड़ता है ICICI डायरेक्ट में, तकरीबन 3,500 का ये आता है ऑप्शन खरीदने के लिए। इसमें लिवरेज तो मिल जाता है 3,500 का, आपको 80 पॉइंट का पूरा मिलता है तो आपको प्रॉफिट मुनाफा आपको 6,000 का प्रॉफिट आपको डबल कर दिया, आधा घंटे में 20 मिनट में डबल हो गया ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। यही है ऑप्शन बाइंग में पावर है, बट लेकिन आपको क्या पूरा वेट करना पड़ता है ये ऑप्शन बाइंग में। सो आपके लिए एक शीट बनाया मैंने एक्सेल डैशबोर्ड में, आपका आज कोई खरीदता है तो ये फाइल के साथ आपको मिलेगा ये लेवल्स का एक्सेल डैशबोर्ड में। मैं बोला 2,500 बोला मैंने, वो रेट में मिल सकता है आपको नया ये खरीदारी करते तो 6 बजे के अंदर कोई भी, नहीं तो आपको अगले हफ्ते से 3,000 में मिल जाएगा आपको, और नया साल में 4,000 होने वाले एक्सेल डैशबोर्ड। आपके लिए बहुत अच्छा है अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद मैं बेचेगा नहीं बेचेगा कोई भरोसा नहीं है। और ऑप्शन सेलर्स के भी बनाया मैंने एक शीट जैसा, आपको बहुत मजा आएगा इधर भी सेम आपको ट्राई करने का। इसमें देखो कि ऑप्शन सेलिंग में समझो 31,000 कॉल का ऑप्शन सेल करने के लिए क्या लेवल मिलता है, हमको गो शॉर्ट लेवल 297 मिलता है, इधर तो हमको 50 इधर भी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है, 297 का हमको गो शॉर्ट जाएगा, 31,000 का कॉल ऑप्शन। आप ऑप्शन सेलर है तो आपको ये अच्छा हो जाएगा, 31,000 का जो बेचने का रेडी है तो आपको क्या लेवल मिला था हमको उस दिन 330 का हाई मारा था हमको, क्या था इधर 331 का हाई मारा था इधर हमको 347 का स्टॉप लॉस था हमको, वो हिट नहीं होता उस दिन, देखो तो उतना नहीं आया था, उधर से नीचे गिरना शुरू हो गया। आपका क्या वेट करके ले सकते हो, इधर टॉप में भी ले सकते हैं क्योंकि मार्केट रिवर्सल होना शुरू हो गया था सुबह 9 बजे, मतलब आपको बहुत टाइम है इधर, तकरीबन मार्केट ओपन करके आधा घंटे के अंदर ही आपको सिग्नल मिल गया ऑप्शन सेलर्स के लिए। ऑप्शन सेलर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा ले सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन सेलर्स के लिए मार्जिन ज्यादा चाहिए, आपके पास है तो आप ट्राई कर सकते हैं वो ऑप्शन भी। आपको 297 में सेलिंग किया और स्टॉप लॉस 347 है, हमको किधर तक आया, ट्रेंडिंग मूव 140 नीचे जब जाता है उस टाइम आपको ट्रेंडिंग नीचे और जाएगा बोल के, आप किधर तक गए देखो उस दिन 148 230
नीचे गया था लेकिन किधर तक रुका, 150 में रुक गया। हमारा लेवल था 148 था, इधर 150 में, 150 में रुक गया। अब उधर भी ऊपर भी देखो, ऊपर में वो स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और इधर भी नीचे वो ट्रेंडिंग मूव नहीं आया। मैं जैसा बोला बायर्स के लिए टारगेट 5 और ट्रेंडिंग के बीच में मेल मिलता है ना, उधर बुक करने का प्रॉफिट, इधर जो बेचा इधर आपको बुक करने के, इसके बीच में आपको इसके बीच में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था, अपॉर्चुनिटी मिला था आपको बुक करने के लिए। आपको मैं फॉर्मूला दे दिया इधर कैसे कैलकुलेट करने का, आप बाव कॉपी से खुद भी बना सकते हैं और मेरा फाइल भी ले सकते हैं, एक्सेल डैशबोर्ड खरीद सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके लिए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बस बेच रहा हूँ बोल के, क्योंकि मैं भी कुछ एफर्ट डाला इसमें, 4-5 घंटे तो आराम से लग गए थे इसमें। बहुत इंटरेस्टिंग है ये और आप भी ट्राई कर सकते हैं, ये सिंपल सा अप्रोच है। और पुट ऑप्शन के लिए भी सेम है, आपको सेल करने, आपको सिग्नल आ जाएगा, जब भी सिग्नल आता है येलो में हाईलाइट आ जाएगा बैकग्राउंड में। निफ्टी का भी सेम है, आपको जब भी एक गो शॉर्ट लेवल के नीचे जाता है उसके बाद सेल, और ये स्टॉप लॉस 4 पॉइंट है स्टॉप लॉस इसमें, उसके रख के आपको सेल कर सकते हैं इधर। लेकिन कोई मतलब नहीं है, बस आपको जितना भी मार्केट गिरता है निफ्टी उस दिन आपको तकरीबन 10 पॉइंट मिलेंगे, वो 40,000-50,000 का मार्जिन देके 5 पॉइंट कमाई करने के लिए क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट इन फेवर ऑफ टेकिंग द ट्रेड, ठीक है ना। आपको एक कैलकुलेशन जो है साइंटिफिक अप्रोच आपको दे दिया, आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा टाइम भी है आपके लिए, रिसर्च कर लो इसके ऊपर कैसा आता है, बैक टेस्टिंग कर लो। मुझे जो भी लेने का भी लेवल्स अगले दिन के लिए क्या चाहिए बोल के, मुझे वो भी एक मिल जाएगा, भाव कॉपी की एक लिंक फिल बनाया मैंने, उधर से मुझे मिल जाएगा, कोई कैलकुलेशन करने की ज्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। मैं वो करेगा रेफ्रेश कर, अभी क्या है मैं फ्राइडे के लिए थर्सडे का रेट लेके बनाया मैंने, अभी मैं क्या करेगा 11 दिसंबर का रेट रहेगा, अभी मेरा रेडी हो गया लेवल्स, क्या रेडी हो गया, मैं इधर से कॉपी करके डाल देगा उसमें, इसमें डाल देगा मैंने, बस मेरा लेवल्स फ्राइडे के लिए रेडी हो गया। अभी देख लो ये मैं क्या करने का, भी फोकस करने का मुझे समझो, अभी मार्केट उस दिन किधर ओपन करता है उसके ऊपर देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी तकरीबन थोड़ा गैप अप हो सकता है शायद आईएपी डेटा के ऊपर, समझो आईएपी डेटा के ऊपर थोड़ा होगा तो 100 पॉइंट का नहीं तो 200 पॉइंट का गैप अप मिला था हमको, 3800 का हो सकता है और सो 3800 का रफली तकरीबन आया तो हमको 30,500 का पुट ऑप्शन और 31,000-1300 का कॉल ऑप्शन हमको फोकस करने का मंडे के दिन में, क्योंकि 300 पॉइंट का गैप देखने का ना, नहीं तो गैप डाउन मिलता है 3500 के, मतलब आपको 3200 का पुट ऑप्शन और 30,800 कॉल ऑप्शन वो फोकस करना पड़ेगा। सो हम सोच लेते हैं कि 100 पॉइंट गैप डाउन मिलता है तो हमको क्या करेंगे, 30,200 पुट ऑप्शन ट्रैक करेंगे पुट ऑप्शन के लिए। सो 30,200 पुट ऑप्शन क्या होता है, अभी गो लॉन्ग आता है हमको 155 लेवल के ऊपर, सॉरी 182, जब भी नीचे जाके 182 के ऊपर जाना शुरू करता है और VW के ऊपर आ जाता है हमको बाइंग हो जाए, समझो अभी ये 220 आया था क्लोजिंग हुआ था उस दिन, हमको 182 के ऊपर जब नीचे जाके शुरू हो गया ऊपर जाने के लिए हम रखेंगे टारगेट 100 पॉइंट्स का टारगेट रख लेंगे, 280 और 300 के बीच में रख के हमको जाना पड़ेगा 100 पॉइंट का प्रॉफिट के लिए 3200 पुट ऑप्शन, और ऊपर जाता है तो 3800 का कॉल ऑप्शन का प्लान करेंगे, शायद गैप डाउन मिला तो ये 220 के ऊपर टारगेट करेंगे खरीदार करने के लिए और हमारा टारगेट होगा 350-400 बीच में हमको ये रुकेगा ऊपर जाके, ठीक है ना। सो ऐसा आप साइंटिफिक अप्रोच में करके टारगेट, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम क्या होता है ऑप्शन बायर्स के लिए, टारगेट कैसे रखें किधर बेचेंगे बोल के, बहुत लोग का मेरा खुद का भी एक प्रॉब्लम होता था कि किधर हमको बेचने का बोल के, उसके लिए बहुत मेहनत करके मैं एक तरीका अप्रोच करके रखा मैंने, बहुत अच्छा हो रहा है ये, आप भी ट्राई कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, मैं लेके आएगा ये वीडियो के लिए पर्टिकुलरली 200 व्यूज आता है और एटलीस्ट 50 लाइक्स आते हैं, मैं अगले वीडियो और अच्छा एक नया लेके आएगा कॉन्सेप्ट, आपको बहुत अच्छा होगा दिन, शुक्रिया है, have a nice day, thank you.